अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको दिखा रही हूँ अपने ये चूज़े। इसमें एक फार्मी चूज़ा भी है, लेकिन बाकी सारे ये देसी चूज़े हैं। ये फार्मी चूज़ा जो आप देख रहे हो, ये कौवा लेके आया था हमारे हस्बैंड ने छीना और इसमें ला के डाल दिया। ये अच्छे खासे हैं माशाल्लाह, ब्लैक रंग में और क्रीम कलर में। देख रहे हैं हैरत से। काफ़ी सारे थे, अभी बीमारी में ये बेचारे ना मर गए, 6-7 मर गए, अब ये हैं बचे माशाल्लाह से। अब इनका मैं निकाल देती हूँ पानी, क्योंकि पानी की वजह से ना बीमार होते हैं ज़्यादा, तो पानी इनका निकाल देती हूँ। सारे ये बाहर निकलने के चक्कर में आप इनको पकड़ेगा कौन, काले स्याह नजर ही नहीं आ रहे। मसाला बड़े हो गए, अब बेटा होता है ना, फिर मैं निकालती हूँ ताकि वो पकड़ के डाल सके। अब जो अंडे दिए थे, इसमें से जो भी चीज़ें निकल रहे हैं घूस लेके चले जा रहे हैं। घूस काफ़ी हो गए हैं घर के अंदर स्टोर में। और मैं आपको दिखाती हूँ अपने मुर्गे। आह 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 आह, ये मेरा मुर्गा। आह आह आह, ये मेरी मुर्गी। और ये जो चूजे हैं वो इसके हैं, गुस्से में आया हुआ। ये काली मुर्गी है माशाल्लाह, ये इसके इसके बच्चे हैं ज़्यादातर, और इसके भी हैं। एक मुर्गी अंडों पे बैठी हुई है वो। अब इनको ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आप देखिएगा। ये काफ़ी छोटा लिया था मुर्गा मैंने, और माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया। अपने बच्चों के पास पहुंच गई वो। कौवा आता है तो कौवा सबके ये बच्चे अच्छे इधर उधर कर रहा है। मेरे भी दो बच्चे उठा के ले गया, एक बच्चा दे गया। एक मुर्गी अंदर बैठी हुई है, हवाओं में बैठी हुई है वो। पता नहीं क्यों मुर्गियों को पहले कूटता, फिर खुद खा पी के दूसरी मुर्गियाँ खाती हैं। दाना डला हुआ है ना। कलर कितने खूबसूरत हैं इसके। दो मुर्गे इधर उधर हैं, चार मुर्गे हैं और ये एक मुर्गा।
अब इंशाल्लाह इसके जो बच्चे हैं वो भी ऐसे ही निकलेंगे काले जो हैं वो अंदर गए। काफ़ी देर से मुर्गा इन सबको भगा रहा था, अभी एक जगह हो गई। इसने भी अपने दो चूजे गर्दन पर पांव रख के मार दिए। ये ऐसे अंगड़ाइयाँ लेती है ना छल छल के। ऐसे तो फिर ये क्या कहते हैं चूजे थे तो छोटे थे जब ये एक एक दो दो दिन के तो इनके इसके पाँव के नीचे आ गए। ये मेरी मुर्गी बहुत पुरानी है वाली। अब ये सारे स्टोर में रहते हैं। पर मेरे तोतों की सबकी दिनों खाई हुई ये बच्चों को मार देता है। दो बच्चे मार चुका है ये, कम से कम 6-7 बच्चे मर गए मेरे। दो इसने मार दिए माँ ने, दो वायरस में आके मर गए और झाप ने मार दिए। ये मुर्गियों का भी कुत्ता लगाता है पता नहीं क्यों। मुझे बेचारे बिला त्रेम बाहर आने के लिए काले काले मेरे ख्याल में बाप जैसे बनेंगे। गर्मी बहुत है और बादलों का मौसम है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चीज़ों को। देखिएगा मेरे को खुद इतना शदीद बुखार है, वायरस वाला खांसी और नज़ला बुखार। पहले दांतों में तकलीफ थी, अब नज़ला और खांसी बुखार इतना शदीद हुआ है। अब अल्लाह का शुक्र है थोड़ा खड़ी हो गई। गुच्छे बने हुए होते हैं तो काले काले नज़र ही नहीं आते। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरा हौसला बढ़ाइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।